दादरा नगर हवेली ना सेलवास नजीक ना वसोड़ा खाते ना 20 हेक्टर नी विशाल जगह में आवेला लायन सफारी पार्क में नवा सहेलावामां आवता प्रवासियों में आकर्षण नु केन्द्र बन्या छे। प्रशासन द्वारा प्रदेश ना सुंदर दरिया किनारा ने ऐतिहासिक स्थलों लीलाछम प्राकृतिक लैंडस्केप्स नु वैभवी अनुभव प्रदान करीने टोच नु पर्यटक स्थल बनावामां आवी रह्या छे। शरलायन सफारी में राज्य अन्य प्राणी संग्रहालय में नर और मादा सिंह लावा आया है, जेने कारण प्रवासी कुदरती सौंदर्य सिंह ने नजीक थी निहाळवानो नजारो माणी शकशे। यूपी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दी लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रफुल्ल पटेल जी, वी हैव रिलीज्ड टू लायंस, वन लायन वन लायनेस। लायन का नाम अशोका है, लायनेस का नाम मीरा है। शोका 5.5 वर्ष का है, मीरा 11 वर्ष की है, और इन दोनों को हमने गुजरात सरकार से हमने लिया है। शोका हैज़ कम फ्रॉम सकरबर्ग जू राजकोट में फ्रॉम जूनागढ़ एंड मीरा हैज़ कम फ्रॉम राजकोट। तो इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर अस। अब हमारे इस वसोना लायन सफारी में पहले जहाँ एक लायन था, लायनेस थी गिरजा, अब हमारे 3 हो गए हैं, एक लायन मेल और 2 फीमेल। सर क्या बेनिफिट होगा? ये 20 हेक्टेयर के करीब है, ये डबल फेंस है जैसे आप देख रहे हो, और डबल डोर का है जैसे कि गाड़ी को अंदर जाने के लिए, तो प्रोटेक्शन बेसिस के लिए कि एक बार गाड़ी अंदर जाएगी तो दूसरा डोर बंद हो जाता है। और ये 2002 से चालू है ये फैसिलिटी, और हमारे पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जब भी थी, आज की डेट में ये 3 लाइन ही है सबसे ज़्यादा कैपेसिटी। और ये एक विशेष ये चीज़ है कि यहाँ पे जो है हमारे तीनों लाइन जो है प्योर ब्रेड है, हाइब्रिड लाइन्स नहीं है। और ये जो हम लोग, जैसे साहब ने बताया था कि हम लोग गुजरात से, माने प्राइमरी डिपेंडेंसीज ऑन गुजरात फॉर प्रोवाइडिंग द एनिमल्स, और जो अपनी अशोक है जो है 5.5 ईयर्स का है, जो हम लोग सकरबाग से लेके आए हैं, और दूसरा जो है मीरा, शी इज फ्रॉम राजकोट जू व्हिच वी हैव बॉट एंड टूरिस्ट टुडे। सर यहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट आएंगे यहाँ देखने के लिए? यहाँ पे टूरिस्ट अभी हर साल है तकरीबन 50,000 to 60,000 टूरिस्ट आते हैं यहाँ, और सतमाले के फैसिलिटी दोनों मिला के, एंड पिछले 10 साल में करीबन 5.5 लाख से ऊपर टूरिस्ट आए हैं। कोरोना के काल में हम लोग इसको फैसिलिटी को बंद रखे थे, क्योंकि CZA के गाइडलाइंस के हिसाब से बंद रखना था, दी टॉक बींग दैट कोरोना में भी ट्रांसमिटेबल होता है टू एनिमल, तो इसलिए बंद था। लेकिन अब से जो खुला है तो अच्छे तादाद में पर्यटक आते हैं। 25 रुपये का ये नॉमिनल फीस ही है हमारे चार्जेस, और उसमें ये पूरे बस की फैसिलिटी और बाकी ये जो आप देख रहे हैं रिसेप्शन और ये पार्क की भी फैसिलिटीज का, दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। सर किस तरह से बच्चों को या फिर अपने आज बे एक लायन और लायनेस एम बे सिंहों ने अपने अँ थी रिलीज करिया छे साहेबनी हाजरी में। आपणो मुख्य उद्देश्य जे छे आ लायन सफारीनो ए फक्त रिक्रिएशन के लोकोने जोवा माटे नथी, एवी केटलीक आपणी साथे उदाहरण थई गया छे पास्टमां पण, जेवा कि आपणे चित्ता एक्सटिंग थई गया छे, एवी केटलीक स्पीसीस जे छे एने जो आपणे एक्सितुमां कंजर्वेशन ना करीशुं तो एक समय कोई वक्त कोई एक साथे डिजीज आवी गई, तो एक साथे एशियाटिक लायननी जे स्पीसीस छे ए अहींथी નીકળી જવાની, આપણા દેશમાંથી કે એશિયામાંથી નીકળી જવાની સંભાવના પણ રહે છે। મુખ્ય ઉદ્દેશ એ જ છે, આપણે જે ઝૂ બનાવીએ છીએ કે સફારી બનાવીએ છીએ એમાં બ્રિડિંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ જ હોય છે કે આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ સ્પીસીસને બ્રિડિંગ કરાવીને મેન્ટેન કરી શકીએ, તો કોઈ પણ કોઈ દિવસ કોઈ બીમારી હોય કે કોઈ અચાનક જશે જેવું કે સુનામી હોય કે કોઈ એવું કુદરતી આફત આવી જાય, તો પણ આપણી જે સ્પીસીસ જે છે એ ટોટલી અહીંયાથી ખતમ નહીં થઈ જાય ને આપણી પર કોઈને કોઈ સ્પીસીસને એસેટિક લાયન આપણી પર રહી શકે, એ એ ઉદ્દેશ્યથી આપણે લાયન સફારી અને ઝૂને મેન્ટેન કરીએ છીએ।